ਬਾਣੀ ਮਹਾਤਮਾ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਲਟੂ ਨਰ ਤਨ ਪਾਇਕਾਰ ਮੂਰਖ ਭਜੈ ਨ ਰਾਮ ਕਉ ਨ ਸੰਗ ਜਾਇਕਾ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਤਨ ਤਾਮ ਪਲਟੂ ਨਰ ਤਨ ਪਾਇਕਾਰ ਮੂਰਖ ਭਜੈ ਨ ਰਾਮ ਕਉ ਨ ਸੰਗ ਜਾਏਗਾ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਤਨ ਤਾਮ ਯਹ ਮਹਾਤਮਾ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਪੇ ਹਮ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੰਡਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਰਤਾਓਂ ਨੇ ਆਪਕੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਦੋਹੇ ਵੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਏ ਹੈ। ਉਨਕੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਆਜ ਕੁਛ ਹਮ ਆਪਕੇ ਦੋਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਬ ਕਭੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮਨੁਸ਼ ਜਨਮ ਕਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲੇ ਬਤਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਯਹਾਂ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਮੂਰਖ ਔਰ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਭਲੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਾਮ ਕੋ ਚੂਸਤਾ ਹੈ ਛਿਲਕੇ ਕੇ ਸਾਥ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਰੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਤੋ ਹਮ ਉਸਕੋ ਮੂਰਖ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਸ਼ਰੀਰ ਇੱਕ ਛਿਲਕਾ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਦਾਮ ਹੈ, ਗਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛਿਲਕੇ ਕੇ ਸਾਥ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਬ ਛਿਲਕੇ ਸੇ ਨਾ ਸਵਾਦ ਆਤਾ ਹੈ ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਬ ਕਭੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਮਨੁਸ਼ ਜਨਮ ਕਾ ਮਹੱਤਵ ਬਤਾਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਵੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਥੇ ਤੋ ਮਨੁਸ਼ ਜਨਮ ਕਾ ਮਨੁਸ਼ ਦੇਹ ਕਾ ਪਰਮ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਤਾਇਆ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਆਪਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਰਹਿਤਾ ਥਾ, ਉਸਨੇ ਅਕੇਲਾਈ ਮੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਭੇਦ ਹੈ। ਤਬ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੀ ਦਿਨ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਨਕੇ ਸਤਸੰਗ ਮੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਜਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਰਾਜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਉਸਕੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਉਂਗਲੀ ਮੇਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਕੀ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੇ ਲਈ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ਰਧਾ ਥੀ, ਉਤਾਰ ਦੀ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਜਾਓ, ਜਿਤਨੇ ਜੋਹਰੀ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਿਖਾਓ, ਇਸ ਹੀਰੇ ਕੀ ਅੰਗੂਠੇ ਕੀ ਕਿਤਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆ ਕਰਕੇ ਮੁਝੇ ਬਤਾਓ। ਜਾਣਾ ਸਭੀ ਕੇ ਪਾਸ, ਸਤਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਪੜਾ। ਹਰੇਕ ਜੋਹਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਕੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋਹਰੀ ਕੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਜਬ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਆਈ
तो उसका सारा शरीर सुन हो गया। कहता है भाई तुम बैठो। बड़े आदर से उस सेवक को बिठाया, अपने अलमारे के अंदर से बड़े खास खास देखने के कांच या लेंस निकाले। उस अंगूठी को बार बार देखता है, उसके चेहरे पर खुशी थी क्योंकि वो सच्चा परखने वाला जोहरी था। और सब कुछ करके बड़े अदब से उसने अंगूठी रुई के अंदर लपेट करके एक बक्से में बंद करके उसको दी कि ये जिसकी है उसको मेरे नमस्कार देना। और 100 रुपए का नोट उस जमाने के अंदर कितना कीमती था उसको दे दिया। तो सेवक कहता है कि ये किस चीज के? कहते हैं भाई देखो, इस अंगूठी की कीमत तो कुछ आंकी नहीं जा सकती कि कितनी है। ये मैंने तुझ भेटा केवल देखने की दी है, जाकर के वहां देना। जब साधु महात्मा को आकर के सेवक ने बताया, राजन को अंगूठी वापस दे दी, तब समझाया कि संत जब समझाते हैं कि मनुष्य दे का बड़ा ऊंचा मकसद है, तो सुनने वाले पढ़ने वाले अनेक हैं, लेकिन कोई कोई इसका मकसद समझता है। जैसे तुमको शहर के अंदर सिर्फ एक जोहरी मिला था जिसने इसकी पूरी कदर की। पलटू साहब पहले हमको इस नुक्ते के ऊपर ला रहे हैं कि ऐ इंसान, तुम हमारी इस शिक्षा को मामूली शिक्षा समझते हो, लेकिन अगर तुम इसको अच्छी तरह नहीं समझोगे तो तुम्हारा परमार्थ अब तक न फलदायक हुआ है न इसके बाद हो सकता है। इसके एक एक श्वास की कदर करो, कीमत करो। सभी संत एक राय हो करके एक आवाज से समझाते हैं कि इसको प्रभु भक्ति के अंदर लगाओ, उस राम की भक्ति के अंदर लगाओ। पलटू साहब कहते हैं तुम दुनिया के ख्यालों के अंदर छाया हुआ है और सुत धारा और ये धन धाम के अंदर अटका हुआ है। भाई सारी जिंदगी तू इनसे प्रीत करके मर गया और तू प्रीत करता आया मरता रहा, प्रीत करता आया मरता रहा और भोगता रहा। कैसे भोगता रहा? कहते हैं बैल के जामे को देखो। कहने को हम बैल को देखते हैं, लेकिन 5 मिनट बैठ करके बैल के जिंदगी पर विचार होनी चाहिए कि सुबह से लेकर के तेली उसका क्या हाल करता है, आंखों के ऊपर कैसे पट्टी बांधता है, किसान किस तरीके से डंडे मार करके उसको चलाता है, टांगे के अंदर घोड़े कैसे चलाए जाते हैं, फिर किस किस्म के डरावने कीड़े और पशु हैं, सब क्यों होता है। कहते हैं इसने ये पहली शिक्षा नहीं समझी कि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिलता है। इसलिए कहते हैं सामने नक्शा है, सुअर को देखते हो, सांप को देखते हो, बैल को देखते हो, ऐ इंसान सोचो कि ये भी खाते पीते हैं, ये भी बाल बच्चे पैदा करते हैं। एक सत्संगी होकर के सारी जिंदगी मन में खटक है कि अपना मकान नहीं बनाया। चिड़िया मकान बनाती है, उनके घोंसले को तोड़ दो, उस वक्त तिनके ला करके बनाती है, बच्चे रखती है, अंडे रखती है। संत कहते हैं तू कौन से अनोखे काम में लगे हुए हो। शेर होता है वो भी क्या करता है, उसके पंजे बड़े तेज होते हैं, मिट्टी को खोद खोद करके अपनी गुफा बनाता है, मांड बनाता है, अपने बच्चों को रखता है। तो वहां से ईंट पत्थर ला करके एक मकान खड़ा करता है। ऐ इंसान, इंसान की जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं मिली, कर ये भी कर और करना है, लेकिन अपना ध्येय अपना मकसद सामने रख। बाल बच्चों के मोह के अंदर सिर्फ जिंदगी तबाह करना,
संत कहते हैं इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं, कुछ अपना भी करो। एक बंदरी को देखो, वे अपने बच्चे छाती के साथ लगा के चलती है। बिल्ली को देखो, छोटे बच्चे पैदा होते हैं उसके छाती से लिपटे होते हैं। शेरनी के बच्चे उसके छाती के साथ लिपटे होते हैं। ऐ माता ऐ बहन, तो कौन सा अनोखा काम कर रही है कि अगर बाल बच्चों की परवरिश करके उनको पैरों पर खड़ा करती है। कुछ अपना काम कर। इसलिए स्वामी जी महाराज हमसे एक सवाल पूछते हैं, वे क्यों आए इस जगत में, जिन मिली न पूंजी शब्द की। कहते हैं जिस दौलत को पाने के लिए आया, वो आंखों के बीच में जहां बिंदी दी जाती है और सिर के ऊपर जहां चोटी रखी जाती है, इस बीच में है। इसको स्वामी जी महाराज शब्द की घाटी कहते हैं। वे क्यों आए इस जगत में, जिन मिली न पूंजी शब्द की, जन्म अकारत खो दिया, जो चढ़े न खाटी शब्द की। उस शब्द की खाटी में जाने के लिए बेटा तेरे को ये मौका मिला है। इंसान को क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा गया, सारे रचना का सरमोर कहा गया। आखिर सोच विचार करके कहा गया कि पशुओं के तरह जिंदगी निकाले, केवल खाने पीने के अंदर निकाले। संतों की बात को भी गहराई से विचारना चाहिए। मैन इज द इमेज ऑफ गॉड, परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को दे दिया। आप देखो इंसान की हालत तो हैवानों से बदतर होती जाती है। कोई हैवान कोई पशु शराब पी करके बेहोश होकर के नहीं करता है, आज तक नहीं देखा गया। और फिर प्रकृति ने हमारे सामने ऐसे पशु बनाए हैं जिनके सामने मांस रखो मुंह फेर करके चले जाएंगे। ये परमात्मा ने इसको अपने शक्ल पर बनाया। ये पशुओं से बदतर होता है। पशु लड़ता है, एक को मारता है, दो को मारता है। बंदूक को लेकर के पता नहीं कितने अपने भाइयों को मारने लगे हैं। कहते हैं इंसान सोच आया किस काम के लिए, तू काम कौन सा कर रहा है। तेरे घट के अंदर परमेश्वर बेअंत रूहानी जायदाद रख करके तेरे को जन्म दिया और खुद बैठा और इंतजार कर रहा है कि इस दौलत का फायदा उठाए। इसलिए तुलसी साहेब वाणी के अंदर लिखते हैं, है घट में सूझे नाई लानत ऐसी जिंद। कहते हैं फटकार है उस इंसान के ऊपर जिसके घट में परमात्मा ने इतनी रूहानी दौलत रखी, खुद बैठा लेकिन इसको पता नहीं। ये अनाड़ी के तरह, जुआरी के तरह अपने सांसों की पूंजी खो करके चला जाता है। आगे कहते हैं, है घट में सूझे नाही लानत ऐसी जिंद, कह तुलसी इस संसार को पड़ा मोतिया बिंद। कहते हैं आंखों में मोतिया बिंद पड़ जाता है, आंख तो नजर आती है लेकिन आंख काम नहीं करती है। कहते हैं वो इंसान नजर आते हैं लेकिन संत उनको इंसान नहीं कहते हैं। कबीर साहब कतई इसका फैसला करते हैं, जय घट प्रीत न प्रेम रस, पुन रसना नहीं नाम। कहते हैं जिसके अंदर उस भगवंत की प्रीत नहीं है वह मुर्दा है। जय घट प्रीत न प्रेम रस, पुन रसना नहीं नाम। किसी संत का नाम नहीं मिला और उसके रसना पर नाम नहीं है, सत्संगियों को भी चोट मार रहे। ते नर पशु संसार में, कहते हैं इंसान नर कहलाता है और वे पशु कहलाते हैं। मैं ऐसे इंसानों को नर पशु कहता हूं कि वो चार पांव से चलते हैं, ये दो पांव से चलता है और कोई फर्क नहीं। इसकी करतूतें सब हैवानों जैसी है। संत हमको इस नुक्ते पर लाने चाहते हैं कि मनुष्य जिंदगी का यही मकसद है कि खोज करो उस चीज की जो प्रभु ने तेरे अंदर रखी है। क्या प्रभु के घर जाने का रास्ता और प्रभु की प्राप्ति, ये मनुष्य जन्म का मकसद है। कैसे ये मकसद पूरा हो सकता है, इसके लिए पलटू साहब को हम आगे सुने। पलटू नरकन पाए कर मूरख पचे न राम,
कौन संग जाए का सुत तारा तन ताम पलटू नर तन चात है सुंदर सुबग शरीर सेवा की जय साध की पजली चरगु वीर राम नाम जय मुखन ते पलटू है प्रकाश तिनके पद वंदन करूं वे साहब हम दास। अब ये जिंदगी का मकसद कैसे पूरा हो, परमात्मा की भक्ति कैसे की जाए, इसी को ही पलटू साहब विषयवार सिलसिलेवार खोल करके समझाते हैं। कहते हैं सच्ची भक्ति अंदर है क्योंकि भगवंत अंदर है। सारी दुनिया बाहर मुखी भक्ति के अंदर लगी हुई है और बाहर केवल जड़ता है, इसलिए ये जड़ की भक्ति है। अगर हम सूफी दरवेशों का कलाम पढ़ते हैं तो सुन करके दंग रह जाते हैं। कहते हैं जिंदगी के अंदर दो ही काम है, एक खुदा परस्ती है, क्या प्रभु की उपासना है, एक बुत परस्ती है, क्या जड़ की पूजा है। और यहाँ तक कि जो हम अपने शरीर के ऊपर वक्त देते हैं, खाने का, पहनने का, इसको सजाने का, इसको आराम में रखने का, मुसलमान सूफी दरवेश इसको बुत परस्ती कहते हैं। क्योंकि वास्तव में ये इंसान का शरीर मिट्टी है, जड़ है। इसके अंदर जो चेतन वस्तु है, अगर उसकी खोज नहीं की तो केवल बुत परस्ती के अंदर इसने वक्त निकाल दिया। इसलिए कहते हैं भाई ऐसे महात्मा के पास जा जो खुदा का भक्त है, जो खुदा परस्ती के अंदर लगा हुआ है, जिसने खुदा को, परमात्मा को, परमेश्वर को पाया है। अब सवाल पैदा होता है कि दुनिया के अंदर साधुओं की कोई कमी नहीं है। हर एक साधु कहता है कि ये मार्ग है, वो मार्ग है, लेकिन जिसको दुकान लगानी होती है, फलदायक करनी होती है, वह मार्केट को सर्वे करता है कि भाई आजकल कौन सा धंधा करूं, पहले कितने दुकान हैं, कमा कौन रहा है, बढ़िया धंधा कौन सा है। कहते हैं इसके लिए तेरे को बार बार संतों के जीवन चरित्र पढ़ने पड़ेंगे, संतों की वाणी और उनके ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। अगर पढ़ नहीं सकते हो तो भाई कथा वार्ता में जाओ, सत्संग में जाओ, सुनने की कोशिश करो। एक अंधा होता है, वो प्रोफेसरों की संगत करता है, लेकिन सुनते सुनते ऐसे अंधे प्रोफेसर खुद हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि तुम विद्वानों के बीच में रहो, ज्ञानियों के बीच में रहो। भगवान गीता के अंदर लिखते हैं कि ए इंसान, अज्ञानियों के बीच में रहोगे, कुछ नहीं करोगे तो अज्ञानी और जड़ बनते जाओगे। ज्ञानियों के बीच में रहोगे, कुछ नहीं करोगे तो भी धीरे धीरे ज्ञानी बनते जाओगे। इसलिए ज्ञानी कौन है? जो शब्द प्रकाशी महात्मा है। पलटू साहब फरमा रहे हैं उनके चेहरे पर, उनके रोम रोम पर, उनके आंखों में, उनके पेशानी में प्रभु का प्रकाश होता है। आप देखो ये रौनक दुनियादारों के चेहरे पर भी होनी होती है, लेकिन कोई गौर से देखेगा तो उस रौनक के रंग बदलते हैं जैसा जैसा विचार आता है। लेकिन ये संत एक रंग इस रस में रहते हैं। एक फोटोग्राफर था जिसने दुनिया भर के बड़े आदमियों के तस्वीरें लिए, शायद किसी साधु महात्मा की भी तस्वीरें ली। वह जब बड़े महाराजी की तस्वीर खींचने आया, उसने एक नहीं, दो, तीन, चार अनेक तस्वीरें खींची, और जब उनको साफ करता था, देखता था, तो अफसोस उसको आता था। और किसी प्रेमी को, सत्संगी को कह दिया
कि मैंने पता नहीं कैसी कैसी तस्वीरें कैसे कैसे पुरुषों की खींची हैं। इस महात्मा के चेहरे पे एक ऐसी अलौकिक शांति है, एक ऐसा रूहानी प्रकाश है जो मेरे तस्वीर के अंदर नहीं आ रहा है और आ भी कैसे सकता है। अव्वल तो संतों का जो ऊपर का रूप है उस देह के अंदर बैठ करके हमको दर्शन देता है, ये केवल रूप का भी रूप है, लेकिन फिर अगर उसको हम कागज और पेंसिल और तस्वीर के ऊपर लाएंगे तो उसके अंदर वो कैसे लियाकत आ सकती है, कशिश आ सकती है। कहते हैं ऐसे संत महात्मा, उनकी हर एक अदा के अंदर एक परमार्थी रौनक होती है। आप देखो जो पलटू साहब का डेरा है, आज वहां कोई रूहानी महफल नहीं है, एक समाध बनी हुई है, वस्त्र रखे हुए हैं, लोग जाते हैं, ठीक है, लेकिन रूहानी महफल और रौनक कब तक है? जब तक संत शरीर में है, देह में है, तब तक रूहानी महफल है, तब तक ज्योत जगती है और परवाने आते हैं। कहते हैं भाई ऐसा महात्मा, ऐसा साधु जिसके अंदर नाम की ज्योत जगती है, प्रभु जिसके अंदर प्रगट है, उसकी संगत और सेवत करने की कोशिश करो, उनके पास बैठो, वो तुमको भक्ति की रीत सिखाएगा। अब पलटू साहब को जो कुछ पलटू साहब फरमा रहे हैं उनको धीरे धीरे हम अपने हृदय के अंदर बिठाएं कि प्रभु भक्ति जिंदगी का परम मकसद रखें और ऐसे संत की तलाश करें जिसके चेहरे पर उस नाम का शब्द का प्रकाश है। अब सोचने की बात है कि जो महात्मा अपने सत्संग के अंदर नाम और शब्द का जिक्र तक नहीं करता है, उसको हमारा दूर से सलाम, क्योंकि संत मत किसी की निंदा आलोचना नहीं करता, नमस्कार करते हैं। इसलिए तो कबीर साहब हमारे सामने एक कसवटी रख देते हैं और फरमाते हैं साधु मेरे सब बड़े अपनी अपनी ठौर। कहते हैं देखो संत मत सबसे प्रीत करता है, यही तो संत मत का मुख्य सिद्धांत है कि अगर संत महात्मा पापियों से नफरत करते तो उनको तारने वाला फिर कौन होता। हम सब पापी हैं, गुनहगार हैं, संत मत में प्रीत है, प्यार है। कितने प्यार से कह रहे हैं साधु मेरे सब बड़े, असली है नकली है, सब अच्छे हैं, अपनी अपनी ठौर, लेकिन शब्द विवेकी पारखी वे माथे के मोर। कहते हैं वे सिर मोर है, उसके आगे मैं वंदना करूंगा। पलटू साहब यहां भी कह रहे हैं कि तिनके चरणों के अंदर मैं वंदना करता हूं जो शब्द की साधना करके अपने गुरुदेव के कृपा के साथ के सहारे उस शब्द में समा चुके हैं, और शब्द ही उस रूप का एक रूप है जो सारे खंडों ब्रह्मांडों को बनाता है। ओ परमात्मा रचना के अंदर होते हुए भी रचना से न्यारा है, रचना के अंदर भी है, जब रचना के अंदर है तो उसका नाम शब्द है, जब दुनिया के अंदर समझाता है कि प्रभु कैसे मिलेगा तो उसका नाम संत सतगुरु है। ये तीनों ही नाम एक ही शक्ति के हैं, उनके अंदर कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए कहते हैं मैं जब भी माथा टेकूंगा ऐसे महात्मा को जो अंदर के पांच शब्दों का जिक्र करता है, उनके प्रकाश का जिक्र करता है, उनके धनियों का नाम बताता है, धुर धाम का इष्ट रखाता है। इसलिए तो स्वामी जी महाराज अपने वाणी के अंदर लिखते हैं कि तुम गुरु के तलाश में निकले हो, सुनते जाओ सबके वचन, सुनते जाओ प्रवचन, सुनते जाओ, लेकिन माथा किसके आगे टेको। अच्छी तरह समझाते हैं शब्द रता सतगुर पहचानो, हम ये पूरा पता दई, हम पते देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, हम आपको पूरा पता देते हैं कि जो अपने प्रवचन में सत्संग में शब्द के ऊपर जोर देता है, शब्द की साधना करता है, पहले करता है फिर करवाता है,
पहले नाम जपता है फिर जपाता है मालिक के हुक्म से। कहते हैं लेता कुछ नहीं, दीनता का नमूना होता है। कहता है मैं एक आजिज बंदा, बड़े महाराज जी को लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे, तो वो जो जवाब देते थे जो उनके वचन होते थे मैं सत्संग में दोहराई नहीं सकता, जिनका अर्थ ये था कि मैं तो सात संगत का एक तुच्छ सेवादार हूं। आज सेवादार को अकड़ है, लेकिन जो प्रभु का रूप बैठ करके सत्संग के अंदर आकर के जीवों मनुष्य देह के अंदर आकर के जीवों को समझाता है। आगे चल करके पलटू साहब इसी के साथ ही अपने उपदेश को समाप्त करेंगे, दीनता का एक मॉडल बन करके। कहते हैं उनका गहना और श्रृंगार ये दीनता है, कोमलता है, प्रेम है, और वो केवल अंदर जाने की हिदायत करते हैं। अंदर में कई शक्तियां हैं, लेकिन शब्द को पकड़ने की हिदायत करते हैं। कहते हैं ऐसे महात्मा के रोम रोम से प्रकाश निकलता है, लेकिन हम कहेंगे हमको तो कभी सत्संग के अंदर नजर नहीं आया, नजर आता है। ऐसी निर्मल आत्माएं बैठती हैं, उनको नजर आता है। इसलिए वाणी के अंदर क्या लिखा गया, जाकी भावना जैसी गुरु मूरत देखी तिन तैसी। कहते हैं गुरु की मूरत देखने वाले भी अलग होते हैं, उनकी जैसी जैसी मन की अवस्था होती है ऐसे ऐसे उनको गुरु का स्वरूप नजर आता है। इसलिए तो सहजोबाई लिखती है कि मेरे गुरुदेव का एक रूप नहीं है, अनेक रूप है। एक कोई ऐसा हिरसी आदमी था, वो बड़े महाराज जी के सत्संग के अंदर बैठ करके हमेशा प्रार्थना करता था। महाराज वाणी के अंदर ऐसा जिक्र आता है, जैसे पलटू साहब कहते हैं उनके मुखों पर बेअंत प्रकाश है, हमको तो कभी नजर नहीं आया, आप दया करके अपना दर्शन दें, कभी मुझे ऐसी झलक दिखाएं। एक दिन महाराज जी ने दया कर दी और ऐसी उस आदमी को झलक दिखाई। खासमा था नहीं, अभ्यास था नहीं, देखने की शक्ति नहीं थी, महाराज जी को देख नहीं सका, आंखें बंद हो गई। ये इतनी बेआरामी हुई कि सत्संग से उठ करके चला गया। फिर एकांत में महाराज जी को मिला, कहता है हजूर फिर कभी ऐसी दया कर देना। महाराज कहते हैं किसके ऊपर, कहते हैं जाप जैसे पहले खजाना बैंक के अंदर रखने से पहले ताजोड़ी बनाई जाती है, स्ट्रॉन्ग रूम बनता है, फिर खजाना रखा जाता है, ऐसी प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं। जो वो रास्ता बताते हैं, शब्द की साधना बताते हैं, उसको करते 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 अपने आप सब कुछ पता लगता है। अनेक बार बड़े महाराज जी को कहते थे कुछ कमाई वाले लोग कि जब कोई आपसे बात करने आता है, बहस करने आता है, श्री बाबा जी महाराज आपके ऊपर खड़े नजर आते हैं, क्या हमको भी नजर आती है। कहते हैं अपनी अपनी आंख, अपने अपने दिल की निर्मलता, संतो प्रकाश का बेअंत मीनार और भंडार होती है। जैसी जैसी जिसकी अवस्था होती है उस तरीके से उसको दर्शन देती है। कहते हैं बेटा माथा टेकना तो शब्द स्वरूपी के आगे, और वो तेरे को पूरा पूरा पांच शब्दों का भेद देगा, फिर तू उसके कमाई में लग जाना। किस तरीके से सेवक को कमाई करनी है इसके लिए पलटू साहब को आगे सुने। राम नाम चै मुखन ते पलटू होए प्रकाश, तिनके पद वंदन करूं वे साहब हम दास। तरपे बिजली गगन में कलश जात है फूट, पलटू संत के नाम से पाप जात है छोट। अब कहते हैं प्यारे सुन, जब ऐसे संत महात्मा के पास तू जाएगा, एक बरकतों का, रियायतों का और दया का बेअंत सिलसिला शुरू हो जाएगा।
अनमांगे मिलता है, मांगना नहीं पड़ता है, बगैर मांगे मिलता रहता है। हर एक उसको, उसको जिसने प्यार से जाकर के माथा टेका, उनकी शरण ली, अंदर का भेद लिया। ऐसे तो भला सारे संसार का करते हैं, अनमांगे करते हैं। जिनके ऊपर अमृत भरी दृष्टि डालते हैं उनकी आगे तरकीब होती है। 84 से निकलते हैं, मनुष्य होते हैं तो आगे तरकीब होती है। लेकिन कहते हैं विशेषकर उनके प्यारे, जिनको जो उनके सेवक कहलाते हैं, दीक्षित आत्माएं होती है, उनके ऊपर तो रहमत का सिलसिला होता है। कहते हैं तेरे को पता करना है, उसका फायदा उठाना है, तो क्या कर, उनके तरफ मुख कर। जिससे प्रीत होती है उस तरफ ही तो मुख करते हैं। हम कहते हैं हमको गुरु का ध्यान नहीं आता, क्यों? एक ही जवाब है कि हमारी गुरु से प्रीत नहीं है। जिसका ध्यान, जिससे प्रीत है, बे अख्तियार हम नहीं चाहते हैं तो भी उसकी शक्ल आती है, तो भी उसकी याद आती है। केवल कहने की बातें हैं कि हमारा गुरु से प्रीत है। गुरु की प्रीत हो तो उसका नाम जिबान पे और हृदय में, गुरु की प्रीत हो तो उसका ध्यान आंखों में और हृदय में, ये निशानी है। सो इसलिए कहते हैं बेटा बेअंत बरकतें तेरे ऊपर हो रही है, तेरे को दया मांगने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपने ऊपर दया कर, इसको आगे खोल करके समझाएंगे। लेकिन यहां मिसाल एक दे रही है। कहते हैं बादल घिर करके आसमान में आते हैं, घंघोर घटाएं छा जाती है, फिर हम देखते हैं कि अचानक एक जोरदार गर्जना की आवाज निकलती है, थंडर की आवाज निकलती है, और साथ साथ में बिजली चमकती है। और जो थंडर की आवाज निकलती है, गर्जना की आवाज निकलती है, पलटू साहब कहते हैं वो कहां हो रखा है? आकाश में। आकाश कितना दूर है यहां से? लेकिन कहते हैं जो मिट्टी के घड़े पृथ्वी के ऊपर रखे होते हैं, धरती पर रखे होते हैं, उस गर्जना के आवाज से, बिजली के खड़ाक से, वो कलस या मिट्टी के बर्तन फूट जाते हैं। कहते हैं प्यारे इस तरीके से गुरु तेरा सचखंड में है, तेरे अंदर है। ए प्यारे तुम नीचे बैठे हो, तुम धरती पर हो, तुम नौ द्वारों में हो, और जैसे वो बिजली ऊपर चमकती है और नीचे असर पैदा करती है, ऐसे तेरे कर्मों का विनाश हो रहा है। कब? कहते हैं जब तुम उसकी आज्ञा का पालन करोगे। आज्ञा का पालन करना क्या है? उसके तरफ मुख करना, नाम जपना, नाम जपना, नाम जपना। नाम जपने की ये रीत है कि हर वक्त नाम को जपे, हर वक्त नाम को जपे, हर वक्त हृदय के अंदर नाम रखे। ये नाम से प्रीत है। कोई काम करे, मन से सवाल करे, ऐ मन तो कौन से दुनिया के उलझनों के अंदर पड़ा हुआ है? चिंताओं से आज तक कुछ बना भी? कीमती वक्त जाता है। गुरु का नाम जप, प्यारे गुरु का नाम जप। अपने आप से कदम कदम पर सवाल करे, बस में बैठे, चूल्हे चौके का काम करे, दफ्तर के अंदर को बहुत सारे काम रूटीन के हैं। नहाते वक्त हमारे को क्या तकलीफ है? कपड़े पहनते हमको क्या तकलीफ है? भोजन बनाते क्या तकलीफ है? नाम जपो। कौन कहते हैं? पलटू साहब कहते हैं। कहते हैं वो नाम जपना क्या है? तेरे बहुत सारे रियायतों के, तेरे तकलीफों के अंदर रियायतें हो जाती है। कर्मों का लेखा कहाँ है? कहीं बाहर है? कर्मों का लेखा अंदर है, वो लिखारी भी अंदर है। इसलिए लकीरें कहाँ फेरी जाएंगी? माफ कहाँ किया जाएगा? अंदर। अंदर लकीरें फेरी जाती हैं। प्यारे सेवक तुम बाहर बैठे हो, तुमको पता नहीं कि तुम जो सिमरन करते हो, नाम जपते हो, भजन करते हो, सुबह को उठते हो, मन के साथ लड़ते हो, क्या क्या लकीरें तेरे कागज के अंदर फिर रही है। सबसे बड़ी बात कि तेरा कागज गुरु के पास है, काल के पास नहीं है। लेकिन उसको माफ करने वाला गुरु है, गुरु को बहाना चाहिए। अगर वो कर्मों का कागज जो हमारे अंदर है, आज रात को महाराज जी हमको दिखाएं कि तेरे ये कर्मों का भंडार है,
तो माफ करना देख करके बेहोश हो जाएंगे, अगर वापस होश आएगा तो फिर बेहोश हो जाएंगे। तो सब हमारे पाप है, इनको बख्शने वाला वो है। हम अपने भजन के हमारे को उस वक्त ही महसूस होगा कि ये जो पापों का ढेर है, हम 100 जन्म 24 घंटे भजन करें, हमारा खत्म नहीं होगा। और जब भी खत्म होता है गुरु के कृपा से होता है, ये तो मन के अंदर अच्छी तरह बिठाना चाहिए। लेकिन हृदय शुद्ध कब होगा? जब दुनिया के ख्याल, दुनिया के फिक्र और दुनिया की गंदगियां अंदर से निकलेगी। ये गुरु को बहाना चाहिए, और वो चाहता है कि कुछ ये उठे, कुछ लायक बने, तो बाकी मैं लायक कर दूंगा। एक करोड़पति है जिसके पास कोई कमी नहीं, वह केवल बच्चे से एक आशा करता है कि कुछ योग्य बने, कुछ पाँव के ऊपर खड़ा हो, मैं तो इसको देने के लिए तैयार हूं। वो बहाने ढूंढता फिरता है। इसलिए कहते हैं, प्यारे जो तुम सत्संग के अंदर जाते हो, कहता है दुकान बंद है और दुकान को बंद करके यहां आया हूं। संतों ने भी सारी जिंदगी दुकान चलाया और वो सत्संग का दुकान था, उन्होंने वहां नाम का वखर बेचा। ये भी व्यापारी होते हैं। कहते हैं क्या ये व्यापार है? इस व्यापार की कोई कीमत नहीं, इस सौदे की कोई कीमत नहीं। कहते हैं ये सब सोचने के भेद है। सेवा करता है, कहता है पता नहीं, बड़े महाराज जी कहते थे सेवा का फल नकद फल है। एक सत्संगी था, उसके कान में दर्द पड़ा, ऐसा जोर का दर्द पड़ा कि पढ़ते पढ़ते चिल्लाते हुए वो बेहोश हो गया। फिर हजूर महाराज ने उनको अंदर में कृपा करके दर्शन दिया। पहला सवाल उसने ये पूछा, हजूर मुझे ऐसा जोर का दर्द क्यों हुआ है? हम कहते हैं महाराज जी से हमको टाइम चाहिए, वहां खुला टाइम है। महाराज जी कहने लगे, भाई देख, जब तुम छोटे बच्चे थे, फलाने गांव में रहते थे, और वहां तुमने अनजानेपन में एक पत्थर उठाया, एक पंखी के ऊपर फेंका, पंखी को जाकर के कान पर पत्थर लगा, वह बेहोश होकर के गिरा। तू घर में गया, पानी भी लाया, उसके ऊपर छिड़का, लेकिन पंखी मर गया। अंदर से आ निकली कि जिसने मुझे ये दुख दिया है, मालिक उसको भी दुख देना। और बड़े जोर का दर्द तेरे कान का लिखा हुआ था, इतने दिन का, शायद 6-7 दिन के लिए लिखा था। और अंदर में गुरुजी उनको बता रहे हैं, भाई एक दिन तुमने लंगर में कटोरियों को कली किया, ओ माफ। एक दिन फलानी स्थान के अंदर सत्संग हुआ था, सारी रात जाकर के गैस बत्ती की सेवा की, एक दिन, ओ माफ। हम कहते हैं नकद फल क्या है? यही पलटू साहब समझा रहे। कहते हैं आकाश के अंदर बिजली चमकती है, गजगोर होती है, वो बादलों की टक्कर की आवाज होती है, कलश नीचे फूटते हैं। सत्संगी तू नीचे है, गुरु तो सचखंड अनामी का मालिक है, लेकिन एक एक कदम जो तू उसके तरफ चलता है सत्संग में, पिछले इतवार को सुना, कदम कदम पे फल मिलता है, सेवा करता है, हर वक्त फल मिलता है। विशेष तब मिलता है जब उनके ऊपर सब काम छोड़ करके एक मन एक चित्त होकर के गुरु के तरफ निहारता है। जैसे बच्चा माँ के आंखों में आंख मिलाता है और माँ 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 कहता है, ऐसे ये गुरु का ध्यान करके सिमरन करता है। ये गुरु से सच्ची और ऊंची प्रीत की निशानी है। कहते हैं अंदर जा करके बेटा पता चलेगा कि तेरे कर्मों को किस तरीके से उन्होंने माफ किया था। पर पिछले कगन में कलश जात है फूट, पलटो संत के नाम से पाप जात है छोट, सुख में सेवा गुरु की करते हैं सब कोए, पलटो सेवा विपत में गुरु भगता है सोए। पलटू साहब धीरे धीरे हमको ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। किसको? जो सच्चे गुरु का सेवक बना है।
कहते हैं इस दरबार में अनेक प्रकार की आत्माएं आती हैं, अनेक प्रकार के जीव आते हैं। कहते हैं उनके अंदर दो किस्म के लोग होते हैं, एक सुख में सेवा करने वाले, दूसरे दुख में सेवा करने वाले। गुरु की सेवा क्या है? गुरु की सेवा करने वाला तो सारे खंडों ब्रह्मंडों में कोई नहीं है, इसलिए उनकी कोई सेवा का सवाल तक पैदा नहीं होता। परमार्थ के अंदर अपने आत्मा को गुरु से नाम लेकर के तन से आजाद करना, क्या नौ द्वारों को खाली करके अंदर ज्योत का दर्शन करना, गुरु का दर्शन करना, अंदर घंटे के आवाज को सुनना, ये गुरु की सेवा है। फिर शब्द के अंदर लीन होना, ये गुरु की सेवा है। शब्द का सारा लेकर के घर को पहुंचना, ये गुरु की सेवा है। आप बताइए, ये गुरु की सेवा है कि हमारी अपनी आत्मा की सेवा है? इसके ऊपर लेबल जो संतों ने लगाई है वो गुरु की सेवा है, क्योंकि ये दीनता का मत है, दया का मत है। बाकी गुरु की सेवा कौन करे? गुरु की सेवा का असली अर्थ एक है, और इसको फलदायक करने के लिए साध संगत की सेवा है। क्योंकि जब हम और के लिए जीते हैं, और के लिए काम करते हैं, तो मन निर्मल होता है। अपने ऊपर पैसे खर्च करते जाओ, किसी जरूरतमंद को दो, किसी अच्छी जगह के अंदर करो, आप देखो ऊंचे में ऊंचा दान परमार्थ का दान है। क्योंकि यहां जो काम होता है परमार्थ में, केवल परमात्मा से मिलने का काम होता है। एक पर्पस के लिए ये चीज काम में आती है, और ये ऊंचे में ऊंचा काम है। बाकी जितने काम है वो दुनिया में वापस लाते हैं, ये छुड़ाता है। इसलिए सारे शास्त्र कहते हैं गुर सिक्खी के अंदर दान ऊंचे में ऊंचा दान है, कि इसका संबंध आत्मा से है, आत्मा के छुटकारे से है। सो इसलिए आप कहते हैं सुख के अंदर सेवा करने वाले हैं, क्या सेहत है तो सत्संग में भी आएंगे, सेवा भी करेंगे, भजन भी करेंगे। पैसा आता रहता है, कहेंगे भाई चलो सत्संग में, शायद इस डर से आते हैं कि कहीं महाराजी हाथ न वापस कर देवे, नुकसान नुकसान न होने लगे, चलो भाई सत्संग में चलो, पैसा आ रहा है, कमाई खूब हो रही है, जब से सत्संग में लगे हैं पैसा आ रहा है। इस डर से आते हैं कि कहीं काम पीछे न पड़ जाए। संतान सुखी है, बच्चे पास हो रहे हैं, नौकरियां लग रही है, महाराज जी की दया है, चलो भाई सत्संग में कुछ सेवा करो, 10 रुपया सेवा में दो। कहते हैं इस तरह के सेवक होते हैं जो सुख में सेवा करते हैं और थोड़ा बहुत भजन भी करते हैं। कहते हैं महाराज जी दिन भर काम किया है, थके हुए हैं, 10 मिनट बैठ करके माथा टेक करके फिर सो जाते हैं। कहते हैं ये सुख के साथी है, और फिर दुख के अंदर भी नाम जपने वाले हैं, गुरु की सेवा करने वाले हैं। कहते हैं शरीर में कष्ट होगा तो भी अपनी पूरी कोशिश करके सत्संग में आएंगे, कुछ न कुछ सेवा करेंगे। अगर चलने फिरने की सेवा नहीं कर सकते हैं, बैठ करके सेवा करेंगे। एक माई थी, उसे चला फिरा नहीं जाता था, वो संगत को बैठ करके पानी पिलाती थी, उसको नींद नहीं आती थी इसके बगैर। कहते हैं ये क्या है? दुख के अंदर सेवा करना, और सच्ची सेवा मैंने अर्ज की भजन करना है। श्री बाबा जी महाराज लिखते हैं कि गुरु अंदर जो बैठा है वो हमारे मजबूरियों को जानता है, कि कौन से दौर से मेरा प्यारा बेटा निकल रहा है। आप देखो बेटे को अगर कोई फोड़ा हो जाता है, सर्जन कहता है माँ इसका ऑपरेशन ही होगा और कोई उपाय नहीं, देर न कर, देर करोगी तो बीमारी बढ़ जाएगी, जल्दी ऑपरेशन करा ले। कौन सी माँ होगी जो सर्जन के हवाले बच्चे को करेगी? बच्चे को हवाले करके ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी हो जाती है, छाती पर पत्थर रखा हुआ है, जैसे बच्चे के ऊपर छुरी चल रही है, माँ के कलेजे के ऊपर छुरी चल रही है। लेकिन माँ बर्दाश्त क्यों करती है कि बच्चा आगे के लिए सुखी हो जाएगा? इस तरीके से जब सेवक संकट के दौर से निकलता है तो गुरु को भी फिक्र होती है। लेकिन गुरु क्यों करता है? कहते हैं सूली का सूल है, ये सूल तो जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि काल की नगरी है, बड़ा दयालु है, अपने खजाने से देता है, अपने ऊपर लेता है। लेकिन जो मुनासिब होता है
क्योंकि कर्म का बीज शरीर से बोया जाता है, शरीर के ऊपर भोगना ये जरूरी है, ये संत मत का सिद्धांत है। कहते हैं ऐसे प्यारे को क्या करना चाहिए, कहते हैं ये दुख और संकट की घड़ी सब सत्संगी के जीवन में आएगी, अपमान भी होगा, सब तरफ से कभी उल्टी हवा लगनी शुरू हो जाएगी। कहते हैं प्यारे गुरु के तरफ देखना नहीं बंद करना, ये मुख किसी से मोड़ना है। कहते हैं अंधेरे में जाने से कोई फायदा नहीं, जब भी देखो दिन में देखो रात में देखो, जो काम होता है वो रोशनी से होता है, अंधेरे में पता नहीं इंसान की क्या हालत है। कहते हैं जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, सब तरफ अज्ञान और अंधेरा है, तो गुरु से मुख मोड़ता है, जो प्रकाश का भंडार है, जो प्रकाश का स्रोत है, भाई अपने लिए रास्ता लंबा करेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज क्या लिखते हैं, दुख की घड़ी गनीमत जानो, एक नई बात कर दी। कहते हैं जो संकट की घड़ी है ये ब्लेसिंग इन डिस्काइज है, ये रहमत है, ये कौन इसको लेवे। ये गीता के अंदर जो लिखा गया भगवान ने सोच विचार करके लिखा गया, लिखा होगा कि मैं अपने प्यारे भक्तों को तीन प्रकार का प्रसाद देता हूं, और वो कौन सा है, कहते हैं निरादर का, निर्धनता का और बीमारी का। आदमी या सत्संगी को कहो उनका सिर चकराता है कि ये भी कोई प्रसाद होता है, लेकिन भगवान के मुख का वचन है, मतलब क्या है कि सोने को साफ करना है तो उसका एक ही उपाय है कि उसको अग्नि के अंदर से निकालो। इसलिए किसी दरवेश ने बड़े सुंदर तरीके से कहा है कि जिस इंसान ने जिंदगी के अंदर दुख नहीं देखा उससे महादुखी कोई है नहीं, क्योंकि ये तो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है। हम जानते हैं नीम कितनी कड़वी होती है, नीम के कितने फायदे हैं, इनके ऊपर किताबों की किताबें लिखी हुई है तो कड़वी लेकिन अंदर जाकर के मीठी बनती है। इसलिए तो पलटू साहब एक और जगह लिखते हैं, कड़वा बहुत सत नाम है पियत निकारे जान। कहते हैं ये जो गुरु का नाम है ये भी कड़वा लगता है लेकिन बाद में मीठा मीठा होता है, पहले फीका फीका है बाद में मीठा मीठा होता है। इसलिए कहते हैं प्यारे दुख और सुख तो ऐसे चलते हैं जैसे धूप और छाया होती है। इस वक्त खूब धूप चमक रही है फिर भी छाया है, हम छाया के अंदर कुछ लोग बैठे हैं। कहते हैं जिंदगी के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं कि जहां धूप और छाया ना हो, और इस तरीके से ये दुख और सुख बेटा चलता रहेगा, तो सुख के तरफ इंतजार करेगा और दुख के तरफ मुख मोड़ देगा, कहते हैं फिर काम नहीं बनेगा। दुख की घड़ी गनीमत जानो, नाम गुरु का पल पल भजना, क्योंकि जो दुख के अंदर सत्संग में जाता है, जब हवा उल्टी लगती है सेवा को नहीं छोड़ता है, सेवा में लोग पैसे देते हैं, एक लखपति ने 100 रुपए दे दिए, वो कहता है मैंने 100 रुपए दिए, लेकिन एक आदमी की जिंदगी परेशानी की है, वो अपने दिन भर का दूध छोड़ करके 1 रुपया सेवा में देता है, उस दरबार के अंदर दया है, कितनी उसने कुर्बानी कर दी। उस अमीर ने कुर्बानी क्या करी, कौन सा सुख छोड़ा उस, वो भी अच्छा है लेकिन अंदर की ताकत जानती है कि ये किस दौर से निकल रहा है, किस हालत से निकल रहा है, उसके अनुसार फल मिलता है। इसलिए श्री बाबा जी महाराज कहते हैं कि जो प्यारे सत्संगी भजन बीमारी के अंदर करते हैं उनके 1 घंटे के भजन करने का बैठे नहीं होता है, लेटे लेटे करो। बच्चा बीमार होता है माँ की प्रीत उसके अंदर होती है, सोया पड़ा है तो भी प्रीत करता है, केवल ये बैठने से प्रीत नहीं होती है, प्रीत की निशानी हर वक्त निरंतर याद बनी रहे है। और बाबा जी महाराज कहते हैं उस 1 घंटे का फल कई घंटों के सेहत के अंदर भजन का मिलता है। कहते हैं प्यारे ये जो संतों के वचन है ये हृदय के अंदर धारण कर सुख का साथी मत बन, दुख के अंदर भी गुरु की सेवा गुरु के साथ प्यार करने की कोशिश कर। सुख में सेवा गुरु की करते हैं सब कोए, पलटू सेवे विपत में गुरु भगता है सोए,
शिष्य शिष्य सब को कहे, शिष्य बयान कोए पलटू गुरु के वस्तु को, सीखे शिष्य तब होए। कहते हैं भाई, गुरु किस लिए दुनिया में आया? कि हमारे को रूहानियत का सबक पढ़ाए। और एक छोटा सा सबक तुमको पहले दिन दे दिया और कहा, बेटा तुम अच्छा शागिर्द कौन है? जो उस्ताद सबक देता है, शिक्षक कोई होमवर्क देता है, उसको प्रेम से करता है, अच्छी तरह आगे को पढ़ता है। अच्छे अच्छे लड़के केवल जो पढ़ाया जाता है उसके आगे भी पढ़ते हैं। यहाँ शागिर्द का, शिष्य का, सेवक का सवाल हो रहा है। सेवक की अवस्था कितनी ऊंची होनी चाहिए, ये महापुरुषों के जीवन को पढ़ के देखो। जितने महापुरुष थे से सब पहले सेवक थे। आप भी तो सेवक थे, और सेवा करते करते गुरु की आज्ञा के अंदर रहते, गुरु से प्रीत करके सेवक से धीरे धीरे स्वामी हो गए। हर एक महात्मा जो स्वामी पद में गया, पहले सेवक के दौर के अंदर से निकला। क्या पहले पूर्ण सेवक बना? और महात्मा जब देह के अंदर होते हैं तो ये कहते हैं, हम तो अभी सेवक भी नहीं बने। गुरु अर्जन देव महाराज के पास रागी गए। उन्होंने कहा, हजूर हमारे घर में एक जवान लड़की है, उनकी शादी है, आप कुछ रुपए दे दो। गुरु साहब ने 100-200 रुपए देने चाहे, उनके मन में लालच आई। कहते हैं, महाराज इससे क्या होगा? कहते हैं, भाई हमारे पास जो होगा वही देंगे, महात्माओं के खजाने कोई नहीं होते हैं। कहते हैं, अच्छा महाराज इतना करो कि हर एक सेवक के हिसाब से 2 पैसा जो पिछले जमाने के अंदर टक्का था वह हमको वसूल करवा के दो। महाराज ने देखा इनके मन में लोभ आया है, जैसा ग्राहक होता है ऐसी बात होती है। कहेंगे, भाई अच्छा करा देंगे। महाराज जी टालते रहे। वो कहते हैं, शादी नज़दीक आ गई, कहते हैं कल करेंगे। फिर दूसरे दिन क्या किया कि 4.5% निकाल करके उनके हवाले किए। कहता है, भाई पहला सिख या सेवक गुरु नानक, और दूसरा अंगद साहेब, गुरु अंगद साहेब सिख या सेवक, और तीसरा सिख गुरु अमरदास, चौथा मेरा गुरु रामदास, और मैं आधा सिख, इसलिए ये 4.5%। कहते हैं, देखो सेवक की अवस्था कितनी ऊंची है। तू कहते हैं छाती के ऊपर हाथ रख के, क्या मैं तो गुरु का सत्संगी हूं और मैंने शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दी, और ये देखो दुनिया के लोग अंधेरे में है। पत्नी को नाम मिलता है, पति से झगड़ा करती है, पति को नाम मिलता है, पत्नी को बेवकूफ बताता है। महात्मा क्या कह रहे हैं? कहते हैं सोचो विचारो, क्योंकि इस मार्ग के अंदर अगर कोई सत्संगी भी जाकर के असूलों को छोड़ता है, दुराचारी बन जाता है, उसे नफरत नहीं करनी, क्योंकि उससे जब नफरत करेंगे तो वो और दूर हो जाएगा। उससे प्रीत करनी चाहिए, उसको वापस लाना चाहिए, उसको रिक्लेम करना चाहिए। मैं प्रारंभ के अंदर अर्ज कर चुका हूं, नफरत के लिए, तिरस्कार के लिए, धिक्कार के लिए, द्वयत के लिए इस मार्ग में कोई स्थान ही नहीं। अगर सत्संगी सत्संगी से नफरत करता है, पास नहीं खड़ा होना चाहता है, वो गुरु से बहुत दूर है, वो गुरु का सेवक बराए नाम है। कहते हैं सेवक की भी कोई निशानी होती है। कहते हैं शिष्य शिष्य सबको कहता है, लेकिन सच्चा सेवक कौन है? पलटू साहब कहते हैं, जो गुरु के वस्तु को परखना चाहता है। भाई गुरु ने कहा कि ये 5 नाम का सिमरन आखिर जाकर के ये करेगा कि तेरे को देह से विदेह कर देगा। तू अंदर में सूरज देखेगा, चांद देखेगा, सितारे देखेगा, फिर अंदर में तू नूर देखेगा, फिर गुरु का रूप देखेगा, फिर अनाज शब्द सुनेगा। कहते हैं ये गुरु के वस्तु को परखना है। क्या तूने किया है? तूने तो नाम लेकर के एक अलमारी में उसको बंद करके रखा है कि अब तो बहुत सारे दुनिया के काम हैं, पहले करने दो इनको, फिर देखेंगे अलमारी से निकाल करके गुरु ने क्या दिया है। क्या बुढ़ापा आएगा तब बैठ करके इसको ऊपर कुछ करेंगे? बड़े बड़े सत्संगी मिलते हैं,
महाराज जी की दया है कि वो बीज छिड़क देते हैं, लेकिन हमारी क्या हालत है इसको पलटू साहब हमारे सामने रख रहे हैं। कहते हैं केवल जो असूलों के ऊपर नहीं चलता, सत्संग में नहीं पहुंचता, बड़े मौजूद है। सरकार ने एक चिट्ठी में जवाब दिया है एक सत्संगी के बारे में जो असूल छोड़ चुका है, सत्संग से दूर हो चुका है। महाराज जी कहते हैं ये भी कोई सत्संगी कहलाने का अधिकारी है? आप देखो, कहते हैं ऐसा प्यारा अपने गुरु का नाम रोशन करता है, उसकी जिंदगी बड़ी ऊंची होती है। आए दिन सत्संग के अंदर जिक्र आता है कि यहाँ कोई कथा कहानी नहीं है, ये संतों की वाणी और सत्संग जीवन को बदलने के लिए है। अगर ऐसी जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आती है कि ये रिश्वत को छोड़े, कपट को छोड़े, धोखे को छोड़े, झूठ को छोड़े और झूठी गवाही को छोड़े, झगड़ों को छोड़े, दुनिया के झंझटों को छोड़े, तो क्या सत्संगी कोई मोहर लगी होती है? उसके जीवन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि किसी महापुरुष का दया का हाथ इसके सिर पर है। देखो इसकी जिंदगी कितनी पवित्र नेक पाक है। दुनिया में तो नेक पाक कोई नहीं है। बाइबल के अंदर एक वचन आता है, एक सेवक को ताड़ते हुए कहते हैं कि दुनिया के अंदर नेक ओ परमेश्वर है, नेक ओ नाम है, नेक ओ गुरु है, बाकी सब नेक बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहते हैं कम में कम नेक बनने की कोशिश तो करो, और नेक बनना है तो नाम की कमाई करो। अकल बुद्धि से सत्संग सुन करके सेवा करके नेक नहीं बन सकते हो, असूलों के ऊपर ठहर नहीं सकते हो। केवल खाने की महिमा सुन सुन करके कोई आदमी तंदुरुस्त नहीं होता है, उसको खाना खाना पड़ता है, अच्छा खाना, पौष्टिक भोजन खाना पड़ता है। वो नाम की कमाई है, वो बादाम है, वो गिरी है, उसको खाना पड़ेगा। फिर कहते हैं तेरे को बल आएगा, जो शत्रु आते हैं काम के रूप में, क्रोध के रूप में, उनसे तू मुकाबला कर सकेगा, तेरे पास नाम का हथियार है। कहते हैं ये नाम का हथियार कैसे चलाया जाता है? बेटा पहले दिन तेरे को सिखाया गया, अब हथियार कोई किनारे रख दिया है। सो इसलिए अच्छी तरह समझा रहे हैं, आपका संतों के बाणी का जो शिक्षक है और बिंदु है वो तो समान होते हैं, उनके अलंकार अलग, मिसाल अलग और उपदेश एक ही होता है कि हम अपने जिंदगी का मनोरथ मकसद रखा सामने, कैसे उसकी पूर्ति होती है, सेवक को क्या करना है, उसको सिलसिलेवार समझा रहे हैं। शिष्य शिष्य सब को कहे, शिष्य बयाना कोए, पलटू गुरु के वस्तु को, सीखे शिष्य तब होए, ना मैं किया न कर सको, साहब करता होए, करत करावत आप ही, पलटू पलटू सूर। यही संतों के वाणी की खूबी है, महानता है, ये इनका श्रृंगार है कि ये सब कुछ बन जाते हैं लेकिन सब कुछ बन करके अपने आप को खाक और मिट्टी कहलाते हैं। कहते हैं लोग क्या कहते हैं, पलटू पलटू सूर। ये पलटू साहब बड़े सूर में है क्योंकि जब इन्होंने साधना की, नाम की कमाई की, तो संगत के अंदर सोने वाले भी थे, दुनिया के अंदर भी लोग थे। उन्होंने कहा भाई देखो इनकी कितनी हालत ऊंची हो गई, बड़ा सूरमा है, काम क्रोध से लड़ा, मन माया से लड़ा, सब लड़ाइयों को जीत करके गुरु के गोद में बैठा, शब्द के गोद में बैठा, मालिक के गोद में जाकर के बैठा, पलटू कितना सूरमा है। लेकिन पलटू साहब अपनी हालत को बयान करते हैं, कहते हैं लोग तो कहते हैं पलटू पलटू की जय जयकार है, मेरा सिर झुकता है, जो कुछ किया वो साहेब ने किया। कहते हैं मैं एक बनिया बनिए की दुकान करता, मुझे क्या पता कि मालिक कौन होता है, मेरी तकदीर ने, मेरे गुरुदेव के कृपा से मैं गुरुदेव बाबा गोविंद जी महाराज के पास पहुंच गया, उन्होंने कृपा का हाथ मेरे ऊपर रखा, अपने चरणों का प्यार दिया, विश्वास दिया, फिर मेरे से अंदर से कहलवाया कि महाराज कुछ दीजिए, उन्होंने बाहर से नाम दिया, फिर बरकतों का सिलसिला शुरू हो गया, फिर अंदर से नाम दिया। कहते हैं हम तो अंदर जाकर के देखते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। बड़े महाराज जी बैठे थे,
उनके पास बाबा निजामुद्दीन साहब बैठे थे। वे बाबा जी महाराज के बड़े भक्त और कमाई वाले सेवक थे। एक सत्संगी आता है, सत्संगी कई किस्म के है, वो महाराज जी से पूछता है, अर्ज करता है, हजूर आप क्यों भजन करते हैं? आपको भजन करने की क्या जरूरत है? संतों की लिव तो निरंतर परमात्मा से लगी होती है। तो महाराज जी उसको इशारे से टालते हुए कहने लगे, भाई देखो भजन सबको करना है, और फिर कहते हैं भजन न करें तो क्या करें। लेकिन उस सत्संगी की तसल्ली नहीं हुई, कहते हैं महाराज संतों को तो भजन करने की जरूरत नहीं है। तो हजूर कहते हैं भाई निजामुद्दीन इनका जवाब देंगे। तो निजामुद्दीन कहते हैं भाई वो करके दिखाते हैं, उनको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करके दिखाते हैं। 3 बजे उठते हैं, बैठते हैं, करके दिखाते हैं ताकि सेवक करें। जब बाबा निजामुद्दीन ने ये कहा तो हजूर क्या कहते हैं, वो करके दिखाते हैं फिर भी कोई नहीं करता है। तो इसके ऊपर निजामुद्दीन क्या बोला कि इसलिए तो महात्माओं को करना पड़ता है। कहते हैं भाई ये जो कुछ करने वाले होते हैं ये महात्मा होते हैं, लेकिन तेरे हृदय के धरती को जरा उसके बराबर करना चाहते हैं कि बीज फलदायक हो जाए, जो सूनी जमीन है, पथरीली जमीन है, उसके अंदर कोई फल फ्रूट थोड़ी निकल सकता है, उसके अंदर से कोई फूल थोड़ी खिल सकती है। जमीन को ठीक करो, सत्संग में जाओ, चेत करके बैठो, प्रेम से सेवा करो। सेवा के जितने नुक्स हैं वो हमारे अंदर हैं और नज़र हमको औरों में आती है। नुक्स हमारे अंदर हैं, हम कहते हैं फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना। अरे भाई तू कैसा, अपने से पूछ तो सही। और तेरे को अपनी दौलत काम में आती है, पराए की नहीं आती। तू अपना भला चाह, अपना ख्याल गुरु में रख। अगर ये चलते फिरते काम काज करते ये गुरु में ख्याल रखे तो रात को सोते वक्त भी स्मरण करके सो जावे। महाराज जी कहते थे वो प्यारा जो सोता है नाम का स्मरण करते 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 उसको नींद भी अच्छी आती है, अगर सपना आएगा वो भी अच्छा आएगा, सुबह को जाग भी गुरु देगा और जब बैठेगा तो मन भजन करने को भी जी करेगा। सो इसलिए कहते हैं भाई दिन भर के सिमरन करने का फायदा ये है कि सुबह को उठ करके तू बैठेगा, दिन भर जो इधर उधर को सोचेगा, ये मेरा दोस्त, ये मेरा दुश्मन, मन करता क्या है। बल्कि दोस्त का कम सोचता है, दुश्मन का ज़्यादा। कोई भला करा उसके बारे में नहीं सोचेगा, जो बुराई करेगा उसके बारे में सोचेगा, जो इसके पास है उसको नहीं सोचेगा, जो दूसरे के पास है उसका सोचेगा। हमेशा मन निगेटिवली सोचता है और वही ख्याल आकर के भजन के वक़्त खड़े होते हैं और इसके भजन की सत्यानाश हो जाती है, उदास होकर के आधे घंटे के बाद उठ जाता है। कहते हैं भाई ये जो कुछ करने वाले हैं तू कोई अपने करने से नहीं जाएगा, तू अपना मुख उनके तरफ कर, जो तेरे को आज्ञा है कि हर वक़्त अपना ख्याल नाम में रख और तुम जो फुर्सत मिलती है, विशेषकर जो सुबह का नियम है उसके अंदर कोई नागा नहीं, कोई भंग नहीं, नियम से करो, प्रेम से करो। सो पलटू साहब ने अच्छी तरह समझाया कि ये निम्रता का श्रृंगार उस वक्त मिलता है। ऐ प्यारे बाहर से अगर तुम निम्रता करते हो तो अच्छा है, करना चाहिए। पहले हाथ जोड़ना तो सीखें, सिर ऊंचा करके चलते हैं, जमीन से कदम हमारा ऊपर जाता है। गुरु का सेवक ऐसे नहीं चलता है, उसका सिर नीचे होता है। हमने रहमन की बात सुनी है कि वो रोज दान करता था, लेकिन जब भी दान करता था उसका सिर नीचे था। तो किसी महात्मा ने, किसी साधु ने उनसे पूछा, भाई तुम दान करते हो तुम्हारा सिर नीचे है क्यों? कहते हैं दान भी उसका है, देने वाला भी उसका है, मेरा तो नाम है इसलिए मेरा सिर नीचे है। यही पलटू साहब कहते हैं, सब कुछ करो सिर नीचे करके चलो। अगर नेक बनते हो उसकी मेहरबानी, अगर बैठते हो तो उसकी मेहरबानी। बिठाने वाला वो है, उठाने वाला मन है। नेकी गुरु के तरफ से है, बुराई मन के तरफ से है, फिर अपमान किस चीज का? अंतिम प्रसाद हमेशा हमको दीनता और निम्रता का मिलता है। सो इसलिए पलटू साहब ने आज के दोहों के द्वारा अच्छी तरह समझाया कि मनुष्य जन्म का मकसद क्या है और इसकी प्राप्ति जिंदगी के अंदर कैसे हो सकती है। ना मैं किया ना कर सकूं,
साहब करता होए करत करावत आप ही पलटो पलटो सोर। राधा